सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और हाँ, इसी का ही वीडियो है। सो आप तो थंबनेल में देख ही चुके होंगे, और सॉरी फॉर द मतलब ये लोकेशन तो अच्छी है, बात अभी क्या है, थोड़ी धूप हो रही है। सो दैट्स व्हाई मैं लाइक नो, फुटेज अच्छी आती है धूप में। सो जो वीडियो है मेन हमारा, वो है आज का है MT15, और जो ये गाड़ी ली है वो हमारे भाई ने ली है। सो उन्होंने ली है, ये है हमारे भाई जो कि है कुणाल जैन। सो मस्त आज ही ये गाड़ी है, मतलब यू नो आज डिलीवरी लेके आए, पूजा वूजा कर दी है। सो मैं आपको यू नो थोड़ा बाइक का मतलब पूरे स्पेसिफिकेशन वगैरह सब बता देता हूँ। सो ये है, चलो यहीं से ही शुरुआत है। सो ये है MT15 version 2, मतलब 2022 का लास्ट मंथ है, मतलब आप कह सकते हैं 2023 का वर्जन है ये। सो जो ये है मेटालिक यू नो ऑल ब्लैक वाला वर्जन है। सो मैं आपको ना थोड़े बी रोल भी दिखा देता हूँ, मतलब क्योंकि ऐसे गाड़ी तो मतलब ऐसे नहीं, आपको जो बी रोल में जो सुंदरता दिखती है वो अलग ही दिखेगी। तो जाओ बी रोल देखो जब तक। सो चलिए फ्रंट से शुरुआत करते हैं। तो फ्रंट से कुछ ही ऐसी दिखती है, यू नो काफ़ी इसका एग्रेसिव लुक है, मतलब एक देख सकते हैं कि ये दो आंखें हो गई और ये इसका मुंह हो गया। और इसमें आपको यू नो सिंगल एलईडी मतलब सिंगल एलईडी वाला यू नो बल्ब मिलता है। सो यही आपको हाई बीम भी रहता है और नीचे लो बीम भी रहता है, और कुछ यू नो बहुत ही एग्रेसिव दिखता है। और जो आपको साइड इंडिकेटर दिखते हैं वो कि ये नॉर्मल है, एलईडी नहीं है, बल्ब वाले हैं। सो यहाँ पर भी कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की है। सो चलेगा इसमें, हम क्या ही बोल सकते हैं। सो ये मेरे को अपसाइड डाउन जो फोक्स है ये भी काफ़ी ना सुंदर थी, और इस पर थोड़ा सा ही ना टेक्सचर जैसा गोल गोल वाला आवाज़ आती है, मतलब ऐसे आपको जो बचपन में खेलते थे वैसे कुछ आवाज़ आ रही है। ओके सो टायर की बात करें तो टायर कुछ ये ऐसा है, काफ़ी अच्छा टायर, मतलब ना मोटा सा ही है। इसकी साइज़ है कुछ देख लेना 180-17 inch का है ये। ओके आपको डिस्क भी मतलब दोनों में डिस्क में मिलता है, आगे रियर और बैक दोनों में मिलता है। और कुछ बाई ब्रेक है आपको यू नो ये मिल जाते हैं ब्रेक कैलिपर्स, और आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलता है। यहाँ पे भी कंपनी ने कॉस्ट कटिंग के डुअल एबीएस नहीं दिया है, और जो अपसाइड डाउन फोक्स है काफ़ी यू नो बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, बहुत ही सुंदर। ओके सो इस साइड आके भी बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे ही आपको मेन रेडिएटर दिया गया है जो कि इंजन को यू नो कूल करने के लिए, और वो एक्सेसिव कूलेंट अगर यू नो ओवरहीट अगर निकल जाए तो उसके लिए वो पाइप दी गई है। और ये रहा कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से काफ़ी अट्रैक्टिव है गाड़ी। ओके तो चलिए यहाँ से अभी देख लेते। सो यहाँ पे आपको यू नो की फोब मिल जाता है, यहाँ से आप चाबी डाल सकते हैं। सो चाली करेंगे तो कुछ ये ऐसा आता है। तो ये आपका आरपीएम मीटर है, यहाँ पे आपका ओडोमीटर है, और ये गियर शिफ्ट इंडिकेटर है। एवरेज वगैरह आपको सब दिख जाएगा इसी में, कितना फ्यूल कंजप्शन कर रही है, एवरेज वगैरह जो भी है सब इसी में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर है, कितना आपकी गाड़ी में फ्यूल वगैरह बचा है, मैं वो जूम करके भी थोड़ा दिखा देता हूँ। ओके सो इसकी जो टॉप स्पीड है वो मतलब मैंने यूट्यूब पे देखी है, तो उसी हिसाब से इसकी टॉप स्पीड है यू नो 150 तक ये मैक्स चली जाती है, उससे ऊपर अभी तक गई नहीं है। सो यहाँ पे ये है यू नो लाइट के लिए जो भी है फंक्शन वगैरह। और इसका हॉर्न है ना थोड़ा बहुत अजीब जगह दिया है, मतलब लोगों की कैसे आदत रहती है कि यहाँ से बजाने का रहता है, लेकिन इसका जो पोजीशन है वो यू नो इंडिकेटर के ऊपर दिया है, तो थोड़ा काइंड ऑफ वियर्ड है ये। और ये आपको दो मिरर्स मिल जाते हैं साइड में, और इंजन किल स्विच भी मिल जाता है यू नो ऑन ऑफ करने के लिए। सो यू नो अभी नई नई आज ही लेके आया, इसके रैप वगैरह सब चढ़े हुए। और आपको 10 लीटर की इसमें टंकी मिल जाती है, और इसकी सीट मतलब यू नो काफ़ी इतनी कंफर्टेबल तो नहीं है, बट स्टिफ है थोड़ी सी, और जो पिलियन है उसको थोड़ी सी माइट भी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज मैं खुद बैठ के आया हूँ और काफ़ी छोटी है, एक आदमी मतलब दो आदमी मुश्किल से बैठ सकते लेकिन बैठ जाएंगे, और तीन आदमी तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि बैठ सकते। और चलो अभी थोड़ी इंजन की बात करें तो इसमें आपको यू नो 155 cc का इंजन मिल जाता है। सो पावर की बात करें तो इसमें आपको यू नो 14.7 Nm का आपको पावर मिल जाता है, मतलब टॉर्क मिल जाता है,
और 18.4 PS का इसमें आपको पावर मिलता है, और फ्यूल कैपेसिटी तो वैसे भी 10 लीटर है, मतलब इनफ है, क्योंकि ये इतनी कॉम्पैक्ट बनाई है, मतलब अपने सेगमेंट में मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है बिकॉज कॉम्पैक्ट है। और ये आपको पीछे भी डिस्क ब्रेक मिल जाता है, लेकिन इसमें वो ABS दिया नहीं है, बट ठीक है, सिंगल ABS है तो भी काम चल जाएगा आपको। सिंगल सस्पेंशन मिल जाता है, कोई आपको डुअल सस्पेंशन नहीं है, मोनो सस्पेंशन दिया हुआ है, और पीछे से कुछ ऐसा लुक दिखता है। और सिंगल एग्जॉस्ट दिया हुआ है। मैं आपको थोड़ी साउंड भी मतलब सुना देता हूँ कि कैसा ये आवाज़ करती है। तो आपको रेव करके भी थोड़ा बता देता हूँ, तो कुछ ये ऐसा इसका साउंड है, और काफ़ी मेरे को बहुत सुंदर दिख रही है बाइक। और यहाँ पे देख, आप थोड़ा देख सकते हो, ये कार्बन फाइबर टाइप टेक्सचर दिया हुआ है, लेकिन ये है नहीं बेसिकली कार्बन फाइबर, ऐसा इस पर टेक्सचर दिया हुआ है, ये वैसे बेसिकली प्लास्टिक है। मतलब अभी थोड़ा मैं आपको राइड करके भी बता देता हूँ। जो कुणाल है वो मेरे पीछे बैठ जाएगा और आपको थोड़ा शूट करके भी बता देगा यहाँ से वगैरह, कैसी बाइक आपको मतलब दूर से जो परफॉर्मेंस और जो लुक आता है ना, वो मेक श्योर के आपको भी पसंद आ जाए, बिकॉज मेरे को तो बहुत ही अच्छी लगी। जाओ देखो। अभी ये मैं फर्स्ट गियर में मतलब गाड़ी उठाई, कोई इशू नहीं है, और इसका गियर का भी जो पोजीशन है वो ऐसा है कि एक नीचे बाकी के पांच, तो इसमें आपको सिक्स स्पीड का ट्रांसमिशन मिलता है, टेन गियर वाला है, और थर्ड गियर में देखो वीडियो कुछ ऐसा ही था कि हमारी जो नई MTA उसका मतलब सब कुछ मैंने टॉच कर लिया ऑलमोस्ट, और कुछ बाकी रहा हो तो कमेंट में बता देना। मतलब जो मैंने मतलब मेरे फ्रेंड ने अभी परचेस की है, तो मतलब और भी मैं इसको ट्रेस करूँगा, ट्राई करूँगा कि मतलब और क्या क्या चीज़ इसमें मतलब नई इंजन वगैरह कुछ भी अगर मेरे को मिलता है कि जैसे प्रोज एंड कॉन्स भी, क्योंकि अभी मैं नया नया इसको चलाइए तो अभी मैं बता नहीं सकता, बिकॉज कुछ अराउंड 4-5 घंटे ही हुए, अराउंड 4-5 दिन लगेंगे मतलब इसको पूरा स्टडी करने में, बाइक भी एक तरह से स्टडी करनी होती है कि कैसा हो एवरीथिंग। तो देखो चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो और तो लोग सब्सक्राइब कर देना। सो ये वीडियो यहीं तरह के अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते अगले वीडियो में, तब तक सेफ रहना।